मैं जब भी संवेद आती हूँ तो यहाँ से मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाती हूँ. जब मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आई थी तब भी मैंने बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट सीखे जिससे मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले. सो थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन हु टुक माय इंटरव्यू. और आज भी मैंने आगे की दिशा के लिए यहाँ से बहुत सीखा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि आगे जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे. जो ऑलरेडी वर्किंग ऑफिसर्स हैं उनके रिव्यूज भी बहुत हेल्प करेंगे मुझे आगे. और जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सबको कंग्रेचुलेशन फॉर द फ्यूचर. और एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हार्डवर्क अपना जारी रखिए. कभी कभी हमें ऐसी डिसअपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं इस प्रोसेस में. कभी कभी हम अपने स्टडी टारगेट्स ही कम्प्लीट नहीं कर पाते. हमें लगता है कि आगे हम कैसे करेंगे इसको. तो उस निराशा को उस डिसअपॉइंटमेंट को हम ऐसा सोचते हैं कि जब ये डिसअपॉइंटमेंट चली जाएगी हमारा मूड जो है हल्का हो जाएगा तब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे. तो ऐसा मत करिएगा क्योंकि हम अपनी निराशाओं को हटा के आगे नहीं बढ़ते हैं उनको साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं. और एक बात मैं कहना चाहूंगी चाहे कितने भी डिप्रेस्ड मोमेंट्स आपकी लाइफ में आए लेकिन आगे का रास्ता वो आपका कभी नहीं रोक सकते हैं. आपके लिए हमेशा एक आगे बढ़ने का ऑप्शन खुला रहता है उसको फॉलो कीजिए. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच गाइस.